मैं आखा परसोत्तम जी भी ले जाओ परसोत्तम जी परसोत्तम और किधर ने परसोत्तम और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है और पीएचई यूनाइटेड प्रोविंस के मेंबर्स जो थे उन्हें अब एक एक कर यहाँ से उठाया जा रहा है। पुलिस जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब हिरासत में लेते हुए एक एक कर जो है ये गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है। देखिए रविहंस जी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रविहंस जी को तस्वीरों में देखिए, रविहंस जी को यहाँ पर जो है इस समय अरेस्ट करते हुए ये देखिए। डेली वेजर्स को लेकर चीफ सेक्रेटरी का एक बड़ा बयान है वो सामने आया है। आखिर ये बड़ा बयान है क्या सामने आया है, इस खबर को मैं आपको डिटेल में सुनाऊंगी। इस खबर को अंत तक जरूर सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार, मैं एलबी जेके सनराइज से। तस्वीरों में जैसे आप देख ही सकते हैं कि डेली वेजर्स ने एक बहुत ही जो बड़ा है प्रोटेस्ट है वो छेड़ दिया है, जिसमें उनके जो दो से जहाँ तीन डेली वेजर्स हैं वो घायल भी हो गए हैं। पुलिस ने जो पुलिस थी जब वहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रही थी, जो पुलिस ने वहाँ पर पुलिस की धक्का मुक्की से जो दो और तीन जहाँ कह सकते हैं कि जो डेली वेजर्स हैं वो घायल हो गए हैं, उन्हें GMC हॉस्पिटल में है वो दाखिल किया गया, उनका इलाज था वो हो चुका है और उन्हें जो छुट्टी है वो भी मिल चुकी है। लेकिन जो डेली वेजर्स हैं उन्होंने सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है वो नारेबाजी की, जमकर है वो नारेबाजी की और साथ में भाजपा जो जुनट है उसके खिलाफ भी कई प्रदर्शन है वो वहाँ पर अपना जो जो है गुस्सा है उन पर है वो जताया। और बात करें तो चीफ सेक्रेटरी की अरुण कुमार मेहता जी ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो डेली वेजर्स हैं जिन्होंने ना ही कोई प्रोसेस जो है गुजरे हैं, किसी प्रोसेस से गुजरे हैं और ना ही उन्होंने कोई फॉर्म फिलअप किया है, ना ही उन्होंने कोई पेपर किया है, तो हम उनको कैसे है जो है परमानेंट है वो कर सकते हैं, हम उनको परमानेंट नहीं कर सकते। वो किसी भी वो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं हम इन्हें जो है जो परमानेंट है वो नहीं कर सकते हैं जो डेली वेजर्स हैं। और जो डेली वेजर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो एलजी मनोज सिन्हा की बात करें और चीफ सेक्रेटरी की बात करें ये तो आज नहीं तो कल तो चले ही जाएंगे, लेकिन जो भाजपा की यूनिट है इसे इसका जो खामियाजा है वो भुगतना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा और इसका जो चुनाव पर भी बहुत असर पड़ेगा कि हम किसको जुताएंगे और किसको नहीं। और उन्होंने आज जो है बहुत ही बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो किया कि जो डेली वेजर्स हैं हमें जो है परमानेंट किया जाए, हम कई सालों से जो काम है वो कर रहे हैं लेकिन हमें अभी तक जो परमानेंट है वो नहीं किया गया है, जो उनका कहना है जैसे आपने तस्वीरों में देखा। और अब ये भी सुनिए कि जो डेली वेजर है उनका क्या कहना है इस
ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा। जो साढ़े कने वादा की तरह पी एच चिकन भी हमारे पांच सदस्यों कने उसी वादे पूरा करी दो। मैं ये अज भी बीजेपी आख जब बीजेपी की सरकार आने आख के हाथ जोड़िए बिनती है सारी रेगुलर पार्षद लाइए, नहीं तो वोट आपको नहीं मिलने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन उपराला बैठा नहीं फिर पुछ गए अस भी कि दाल लगी है जो साढ़े कसा चढ़ता उस पुछ लगे ना दसें दसें साल सरकार च नहीं आने सरकार भी बनाई पी डी पी कन्नै ने उस वेला पता की नहीं पूरा किया सेंटर च गौरमेंट थोड़ी एल जी थोड़ा सब कुछ थोड़ा दस मिनट की गल है दस मिनट से तुम सब कुछ कर सकते हो लेकिन नहीं करना चाहते। अस बार बार इो गल आखने बीजेपी आए भी आखने अगर थोड़े कहने काम होता आई जाओ शिड़कें पर शिड़कें पर आई जाओ शिड़कें पर साढ़े कहने साथ दो सपना देखा ना पा सपना हम सुते लैंगन अगर डेली वेज की परमानेंट नहीं ना करगन तो सपना दिखते रहूंगन ये प्लस पार नहीं जाई सकते चाहे जो मर्जी कर लैन बीजेपी की वोट नहीं कि